क्या आपको पता है जितनी तेजी से आप ऑनलाइन शॉपिंग की ओर बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से इसका ट्रेंड बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने का खतरा भी बढ़ रहा है। बच्चों की स्कूल ट्यूशन फीस से लेकर राशन का बकाया तक हर एक चीज का पेमेंट ऑनलाइन ही किया जा रहा है। ऐसे में आपके साथ फ्रॉड होने का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। इस वीडियो में बात उन छोटे छोटे टिप्स की जो आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड होने से बचा लेंगे। इसमें सबसे पहला है ज्यादा छूट के लालच में ना आना। जब भी आपको कोई चीज कुछ ज्यादा ही सस्ती दिखे तो इसे तुरंत ना खरीदे, पहले उसकी थोड़ी पड़ताल कर ले। कंपनियां कभी कभी छूट तो देती हैं, लेकिन अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती लगे तो दाल में कुछ काला हो सकता है। फ्रॉड से बचने के लिए गूगल का इस्तेमाल करें। अगर किसी प्रोडक्ट के रेट को लेकर आपको कुछ शक है तो गूगल पर जाकर दूसरी कंपनी या वेबसाइट पर दिए उसकी दाम से तुलना करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कंपनी के बारे में भी जानकारी जुटा ले। वैसे तो नई कंपनियां हमेशा ही अच्छे ऑफर्स लेकर आती है, लेकिन यहां शॉपिंग करने से पहले क्रॉस चेक कर लेना समझदारी होगी जो आपको किसी भी फ्रॉड से बचा सकती है। ऐसे ही एक और टिप है सोशल मीडिया के डील पर तुरंत भरोसा न करने का। जी हाँ, आपको फेमस शॉपिंग वेबसाइट्स में सस्ते डील्स के लिंक्स जरूर आते होंगे, लेकिन हो सकता है कि ओरिजिनल जैसे दिखने वाली ये वेबसाइट फेक निकले और आपके पैसे डूब जाए। इसलिए किसी जानकार को ये लिंक्स भेजकर थोड़ी पूछताछ कर लेना ही समझदारी होगी। अगली समझदारी है कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन की। अगर आपको किसी नई वेबसाइट से सामान मंगाना है या कुछ गड़बड़ लग रहा है तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ले। घर पर सामान आने के बाद उसे अच्छे से चेक करें और उसके बाद ही पेमेंट करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट एडवाइस ये है कि अगर ऑनलाइन पेमेंट पर ज्यादा डिस्काउंट मिले तो समझे कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने पर कोई कंपनी ज्यादा डिस्काउंट दे रही है तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ज्यादातर भरोसेमंद कंपनियां चाहे पेमेंट ऑनलाइन हो या कैश ऑन डिलीवरी कीमत बराबर ही रखती है। फ्रॉड कंपनियां आपसे ऑनलाइन पेमेंट करवा कर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड डिटेल चुरा लेती है और इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।